नई सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने अपनी कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। हमारे साथ हैं एसडीएम माठ सदानंद गुप्ता, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, और कीर्तिमान किस रूप में स्थापित किया है वो हम आप ही से जान रहे हैं। क्या कुछ आपके द्वारा नई सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया गया है? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि शासन की मंशा है, सरकार की मंशा है कि कोई भी गलत काम न हो, अवैध खनन न हो, कोई कालाबाजारी न हो, कोई भी परीक्षा जो है नकल न हो, नकल विहीन परीक्षा हो। इसी उद्देश्य से मैंने अभी तात्कालिक तौर पर जो मुझे काम करने का मौका मिला है कि नकल विहीन परीक्षा कराने का, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले मार्ट में शायद ये बहुत इनफेमस जगह रही है, नकल होते रहे हुए। मैंने सारों के मंसूबों पर पानी फेरा है। पूरे प्रदेश में लगभग 550 से ज़्यादा जो है नकलची पकड़े गए हैं, उसमें से मैंने स्वयं जो है अपनी खुद की पकड़ मेरी लगभग 90 के आसपास है जो मैंने स्वयं पकड़ा है, तो लगभग वन सिक्स बैठता है जो मैंने किया है। मैं इस आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से ये बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि सरकार की जैसी मंशा है उस 100% हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। और ये भी बताना चाहते हैं कि लोग शिक्षा को शिक्षित बनने और योग्य बनने के लिए करें, ताकि हम देश के विकास, देश की एक नई ऊर्जा को जोड़ने का काम करें। शिक्षा इसके लिए नहीं केवल अंक प्राप्त करने के लिए किया जाए, ऐसा जो करवा के कुछ माफिया पैसे वसूल कर रहे हैं वो शिक्षा की दिशा में पहल नहीं है, ऐसे देश को और प्रदेश को बनाने में उनकी भूमिका नहीं है। तो इन मंशा के साथ कि कोई भी गलत काम ना हो, शिक्षा की गुणवत्ता को मेंटेन किया जाए, शिक्षा से संस्कार आए, शिक्षा से हमारे नीतिगत व्यवहार में, नीतियों में, विचारों में एक प्रखरता आए, ऐसी मान्यता को रखते हुए मैं इसके लिए अपने पूर्ण समर्पण से काम करूँगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोग भयभीत हो जाएँ, शासन के मंशे से भी, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा भी, और एज ए एसडीएम मार्ट के द्वारा भी मैं कह रहा हूँ कि नकल विहीन परीक्षा होनी है तो होनी है। एक भी सेंटर अगर करता है तो डी बार होगा ही होगा, एफआईआर दर्ज प्रिंसिपल और उनके प्रबंधक पर होगा ही होगा। इसके अतिरिक्त बच्चों का भी भविष्य अंधकार में जाएगा। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि शिक्षा को शिक्षित बनाने के लिए करें, नकल विहीन शिक्षा कराएं, ये मेरी गुजारिश है। जो परीक्षाएं चल रही हैं उन्हीं में अधिक व्यस्तता है प्रशासन की, कुछ और भी कार्य हुआ है नई सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में? नहीं, बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक एक बहुत बड़ी पहल थी जिसको आपने पूछा है, चूँकि ये तात्कालिक है, इसके अलावा जो तहसील में जितने भी प्रकरण आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी प्रकरण आए उनका निस्तारण ऐसी गुणवत्ता के साथ किया जाए कि एक आदमी जो आए इतने अच्छे से सुना जाए, उनकी संवेदना के साथ, और उनको इतने जो भी वो अपने अंदर एक भाव लेके आते हैं उनको देखते हुए सुना जाए, ताकि उनके जाने के बाद उनको इतना सेटिस्फेक्शन महसूस हो कि मेरी बातों पर सुना गया और अमल लाया गया। गुणवत्तापूर्वक निस्तारण भी हमारा ध्येय है। मैं प्रतिदिन सुबह का समय जो है उनके शिकायतों को सुनने में देता हूँ, और 5 ऐसी शिकायतों को जरूर अपने पास रखता हूँ कि जिनका लंच के बाद जाके हम लोग निस्तारण करें। ऐसा करने से 5 जो सबसे जटिल प्रकरण हैं वो एक दिन में ही निस्तारित हो जाते हैं। तो जैसी सरकार की मंशा है, नई सरकार जो चाहती है उसके अनुरूप जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्य करना शुरू कर दिया है। एसडीएम माठ सदानंद गुप्ता अभी जानकारी दे रहे थे कि करीब 550 नकलची पूरे प्रदेश में पकड़े गए हैं, जिनमें से 90 नकलची अकेले आपके द्वारा ही पकड़े गए हैं, और ये करीब 1/6% है, या उससे भी हम ये कहें 1/5 और 6 के मध्य है तो ये ज़्यादा सही होगा। आपने इसके साथ ही ये संदेश दिया है कि जो नकल माफिया हैं वे अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, और जो ऐसे केंद्र हैं जहां पर कि नकल होती हुई पाई जाएगी उनकी मान्यता भी खत्म किए जाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा की जाएगी, और भी शासन के निर्देशों के अनुरूप, शासन की मंशा के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं, ये आपके द्वारा बताया गया है। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।